हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं चाय के कप के साथ आप लोगों को आज वेलकम कर रही हूँ मेरे चैनल को, और मैं ठीक ठाक हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि ये सेकेंड डोज वैक्सीन लेने के बाद तबीयत थोड़ा ढीला ढाला है। फर्स्ट डोज लेने के बाद में भी वही हुआ था, सेकेंड डोज लेने के बाद तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। बट क्या करें, लाइफ शुड मूव ऑन। हम लोग को सब काम करना है, आगे बढ़ना है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं उसको तो पूरा करना है। सो इसलिए आज थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, इसलिए सोचा कि अभी इवनिंग का चाय पी रही हूँ ना, आप लोगों के साथ थोड़ा सा गप्पे मारूँ। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं, क्या चल रहा है? सबका कुछ ना कुछ काम रहता होगा, कुछ ना कुछ प्लान रहता होगा। ये पैंडेमिक हम लोगों का सब प्लानिंग को चुरमार कर दिया। सो इसलिए अभी कुछ प्लानिंग करना भी, करने के लिए भी डर लगता है कि वो शायद हम लोगों का सब फ्लॉप होगा ही, क्योंकि बाहर हम निकल नहीं सकते। बाहर जाके कोई घूम फिरना, मैंने बिना डर के मारे, बहुत डर लगता है जब बाहर निकलते हैं हम लोग कि शायद कुछ गड़बड़ होगा, शायद हम लोग प्रिकॉशंस ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे। वैसे ही छोड़िए बात, अभी कुछ करते हैं मज़े की बात जिसमें आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। अच्छा, मैंने की हूँ बहुत सारा शॉपिंग ऑनलाइन से, आप लोगों के साथ वो हॉल शेयर करूँगी जो जो शॉपिंग की हूँ मैंने। चलिए ब्लॉग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, शॉपिंग हॉल जो है मेरा। और आशा करती हूँ मैं जो जो खरीदी हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, उसमें से आप लोगों को कुछ अच्छा लगेगा तो आप भी खरीद सकते हैं। चलिए, मेरा जो फर्स्ट चीज़ जो दिखाऊंगी, कुछ डेकोर का चीज़ मैंने खरीदी हूँ, उसको पहले दिखाती हूँ, उसके बाद बाकी सारा चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी जो फर्स्ट क्यूट सा चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ ये है, देखिए ये वाला जो प्लांटर है कितना सुंदर है ना, बहुत क्यूट है। मैंने इसको एक्चुअली प्लांट रखने के लिए नहीं खरीदी हूँ, ये वाला बहुत छोटा है, इसमें प्लांट नहीं रह सकता। छोटा वाला जो आर्टिफिशियल प्लांट होता है उसको रख सकते हैं। मैंने इसको डेकोर पीस के हिसाब से रखने के लिए ख़रीदा। इसको और एक चीज़ के साथ वो पेयर हो के आया था, उसको भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है ये वाला पेयर भी, बहुत सुंदर है ना। सो एक ये है और एक ये है, ये पेयर में था। ये वाला, ये जो पेयर में था ना, इसका प्राइस था 392 दोनों का। सो मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने इसको ख़रीदा मेरे लिए। अच्छा, इसको डेकोर पीस के हिसाब से यूज करूँगी, जब स्टाइलिंग हो जाएगा तब आप लोगों को दिखाऊँगी कहाँ पे मैंने इसको रखी हूँ। ये गया मेरा फर्स्ट शॉपिंग। सेकेंड जो खरीदी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है ये सुंदर सा जो आर्टिफिशियल प्लांट दिखा रही हूँ आप लोगों को। कैसा लगा? इसको मैं डेकर की हूँ। ये जो लैवेंडर कलर का फ्लावर आप देख रहे हैं, इसको मैंने सेपरेटली ख़रीदा, और ये वाला जो पत्ता है जो लीव्स है, इसको मैंने सेपरेटली ख़रीदा। इसको मैंने रखा ये वाला पॉट में, ये वाला पॉट मैंने 99 मार्केट से ख़रीदा। और ये दोनों चीज़ आप देखिए, ये सेटअप आप लोग को कैसे लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ये जो फ्लावर है लैवेंडर कलर का, मैं पलटा के भी दिखा रही हूँ आप लोगों को दो साइड से, वो जो लैवेंडर कलर का बंच है इसको मैंने ख़रीदा 399 में। और ये जो पत्ते हैं इसका, ये जो लीव्स है इसका जो बंच है आप देख रहे हैं, जैसे मैंने और एक बार आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो बंच है ये बंच को मैंने ख़रीदा 399 में। और ये जो वाश है आप लोग देख रहे हैं, ये अभी ख़रीदा नहीं हुआ है, इसको 99 मार्केट से मैं ख़रीदी थी। और आप लोगों को मेरा पहले का एक डेकोर ब्लॉग, एक डेकोर हॉल में मैंने आप लोगों को इसको दिखाई थी। ये गया मेरा सेकेंड वन जो मैंने ख़रीदी ऑनलाइन से। अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को एक सुंदर सा चीज़ जो बहुत काम का चीज़ है, वो है ये वाला प्लांटर स्टैंड। आप देख रहे हैं ये वाला एक सेट में चार रहता है, सेट ऑफ फोर एक्चुअली, आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए इसको मैंने घर में जो मेरा जो इंडोर प्लांट्स है
वो पॉट को मैंने इसके ऊपर रखती हूँ। इस पर रखने से क्या फ़ायदा होता है कि इसको हटा के आप वो जगह क्लीन कर सकते हैं। अब जब फ्लोर में कोई चीज़ रखते हैं ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए उसको उठा के क्लीन करना, और हम लोग तो लेजी लोग हैं उसको उठाना। कभी कभी घर में कोई हेल्पर हेल्प करता है तो वो भी वो काम करना नहीं चाहती है, और आप खुद करते हैं तो भी वो चीज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसके ऊपर रखने से आप लोगों को ये नीटली रहेगा, और आप लोगों को इसको जस्ट ऐसे पुल करके, आप देख रहे हैं इसके नीचे ऐसा दिया हुआ है, आप इसको ऐसे एक्चुअली स्लाइड करवा के वो जगह क्लीन करके फिर वो उसका प्रॉपर जगह में रख सकते हैं। ऐसा ये सेटअप 4 आया था, और ये सेटअप 4 था 950। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको भी मैं कहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये गया। उसके बाद मेरा जो सबसे फेवरेट चीज़ जब मैंने खरीदी वो है ये वाला प्लांटर विथ स्टार्ट। ये वाला प्लांटर आप देख रहे हैं, ये वाला प्लांटर बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो ये वाला प्लांटर, इसको ऐसे आप खाली ऐसे रख सकते हैं, और ये स्टैंड के साथ भी हम लोग स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं रखी हुई ये वाला प्लांट जिसको मैंने आइकिया से खरीदी थी, ये वाला प्लांट मेरा आइकिया का है, और इसको मैंने यहाँ पे रखी हूँ। देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये जो प्रिंट है ये मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका बहुत सारे प्रिंट है, बहुत कलर में बहुत सारे प्रिंट है। मैं भी प्लान कर रही हूँ इसका दूसरा सेट खरीदने के लिए। ये सेटअप 2 आप लोगों को पड़ेगा 550। ओके सो ये गया, ये मैं दिखा रही हूँ, ये भी मैं सेट में खरीदी हूँ, 2 है, दिखा रही हूँ आप लोग को, सेट ऑफ 2 है। इसको भी मैंने आइकिया का वो प्लांट इसमें रखी हूँ, और ये सेट ऑफ 2 आता है। बहुत सुंदर है ना, कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना मेरा ये शॉपिंग। ये जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊँगी और एक ब्यूटीफुल सा जो मैंने सेटअप की हूँ, देखिए ये है मेरा सेटअप। ये है एक हैंगिंग प्लांट जिसको मैंने यहाँ पे सेट की हूँ एक मेरे तरीके से, और ये वाला अलग से मैंने खरीदी हूँ। आप लोगों को पता है ये पहले था मेरे पास, बट ये मेरा नया एडिशन है, ये मेरा नया एडिशन है। इसको मैंने रखी हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा है। वो आया था एक्चुअली ऐसा, वो प्लांटर में मैंने उसका रखी हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ इसका क्वालिटी। मैं बहुत खुश हूँ इसके क्वालिटी से, और ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। इसको भी मैंने घर में कहाँ पे रखा मैंने आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वाला मेरे पास था, ये एक एक्चुअली कैंडल स्टैंड है जिसका एक एंटीक लुक है। सो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, और डाल के आप लोग मुझे बताना ये कैसे लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और मैं बता दूँ इसका प्राइस, ये जो प्लांट है इसका प्राइस है 399। ओके सो आप इसको जहीं पे भी, आपका मतलब है जो बास्केट होता है ना, बास्केट के अंदर भी रख सकते हैं, बास्केट के अंदर भी बहुत सुंदर एक लुक क्रिएट हो सकता है। जितने सारे हैंगिंग प्लांट्स है, हैंगिंग फ्लावर्स है, जिसको आप लोग कहीं पे भी थोड़ा सा हाइट में रखेंगे वो ऐसे हैंग होगा, उसको आप एक बास्केट में रखिए, बहुत सुंदर एक एलिगेंट सा लुक, एक स्मार्ट सा लुक देता है घर में। जहीं पे भी आप कहीं पे भी रख दीजिए, थोड़ा सा हाइट के ऊपर, कोई एक सेल्फ के ऊपर, कोई एक रैक के ऊपर, कोई बुक रैक का कॉर्नर में, वो आपको एकदम ब्यूटीफुल सा एक स्मार्ट लुक देता है। ये गया मेरा नेक्स्ट परचेज। उसके बाद उतना ही है मेरा जो होम डेकर के बाद जो मैंने खरीदी। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाऊंगी ब्यूटीफुल सा कॉप सेट, मैंने आपको यहाँ पे 2 दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली आया है सेट ऑफ 6। आप इसका शेप देखिए, ये शेप बहुत ब्यूटीफुल सा शेप है इसका। इस शेप के वजह से मैंने इसको खरीदी। मेरे पास कांच का, मैंने ग्लास का कप्स, और जो कॉटिंग चाय हम पीते हैं ना ग्लास में, उसका कलेक्शन बहुत है। मुझे और आदित्य दोनों को इसमें चाय, वो ग्लास में चाय पीना अच्छा लगता है, कांच का कप में, ग्लास का कप में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। सो ये है सेट ऑफ, मैं आपको 2 ला के दिखाई, ऑल 6 मैंने यहाँ पे नहीं लाई, रखी हूँ घर में। सेट ऑफ 6, सेट ऑफ 6 का प्राइस था 452, ठीक है।
सो ये प्राइस जैसा है ना, ये मटेरियल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मटेरियल है और ये इतना पतला वाला ग्लास भी नहीं है, बहुत स्टडी है, अच्छा लगता है। आप एक बार इसमें चाय पियेंगे तो आपको भी खरीदने के लिए मन करेगा, इतना सुंदर है ये कप। पहले मेरे पास और एक शेप का था, अभी मैंने इसको ऐड की हूँ, ये हो गया। उसके बाद मैंने खरीदी मेरी एक मतलब का चीज़ जो है मेरा गैस लाइटर। देखिए ये डॉल्फिन शेप में ये ग्लास लाइटर है और इसका प्राइस था 175 और ये बहुत सुंदर है। देखिए इसका ना लाइट भी है, अब देख पा रहे हैं, इसको आप ऑन करोगे तो लाइट के साथ भी इग्निशन होगा, बहुत सुंदर है ये। और इसको मैंने भी खरीदी मेरा घर के लिए। उसके बाद घर के लिए और एक चीज़ खरीदी जो है दोशा तावा, ये वाला चीज़ मैंने खरीदी ऑनलाइन से। और मेरे घर में एक्चुअली तवा का ज़रूरत बहुत पड़ता है, आप लोगों को पता है कि यहाँ से क्लीन हाउस किचन चलता है, चीज़ बहुत एक्चुअली फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ओवर यूज़ भी कभी कभी होता है तो चीज़ ख़राब हो जाती है, सामान ख़राब हो जाती है। और दोसा तवा ऐसा है कि आप लोग नॉनस्टिक आप लोग को यूज करना ही पड़ेगा, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ नॉनस्टिक यूज़ करने का, नहीं करने के लिए, बट दोसा तवा को अवॉइड नहीं कर पाती हूँ। मेरी हस्बैंड एक दोसा लवर है, बैंगलोर में रहना अभी 17 ईयर्स हो गया और मैंने साउथ में रह रहे के साउथ का जो ब्रेकफास्ट है उनको बहुत पसंद है, मुझे एकदम पसंद नहीं है। सो एक डोसा से स्टार्ट करके मसाला डोसा, घी डोसा सब उनको पसंद है, तो उनके लिए एक तवा मेरा है बट ये मैंने स्टेपनी में रखना चाहती थी तो इसलिए मैंने इसको ख़रीदा। मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टडी है, बहुत सुंदर है। और ये वाला तवा मैंने खरीदी अराउंड आई थिंक 614 ऐसा कुछ था उसका प्राइस, बट ये एक स्टैंडर्ड साइज है। और ये वाला एक्चुअली मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत दिन जाएगा, उसको ठीक से रख पाऊंगी। तो ये हो गया। उसके बाद मैंने जो आप लोगों को दिखाते हैं वो घर का चीज़ें, हम लोग जो मॉप यूज करते हैं वो मॉप का ये पोर्शन डिटैचेबल होता है जिसमें हम क्लीनिंग करते हैं, उसको मॉप टॉप बोलते हैं एक्चुअली। सो मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने सेट ऑफ 3 मंगवाई। सेट ऑफ 3 जो है ये है माइक्रोफाइबर का। सो आप लोगों को पता है कि माइक्रोफाइबर यूज़ करने से बहुत दिन जाता है और घर का जो क्लीनिंग बहुत अच्छा होता है, देयर इज अ डिफरेंस। आप लोग नॉर्मल क्लॉथ, जो लोग क्लॉथ भी यूज करते हैं, मैं इन लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ कीजिएगा, मेरे पास वो भी है। ये है वो जो स्टैंड वाला चीज़ हम जो खड़े होके क्लीन करने वाला। सो ये सेट ऑफ 3 मैंने खरीदी, ये सेट ऑफ 3 था 299 का। देखिए ये वाला बहुत सुंदर है, वाइट है। आप लोग सोचे होंगे ये जल्दी गंदा हो जाएगा, यस होगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा पहले जो यूज़ कर रही थी वो ग्रे कलर का था, सो ये मैंने सेट ऑफ 3 खरीदी 299 में। ये हो गया। अभी मैंने खरीदी एक बंच मेरा कॉटन्स, जो मेरा ये मास्टर बेडरूम के लिए है। आप लोगों को पता है यहाँ पे मेरा डार्क कॉफ़ी और ग्रीन दोनों यूज होता है, तो मैंने पहले मेरा अभी जो कर्टन्स लगा हुआ है वो पूरा डार्क कॉफ़ी का है, प्रिंट और प्लेन दोनों का कम्बिनेशन है। इस बार मैंने सोचा मैंने उसमें थोड़ा सा ग्रीन का टच दूँ, हल्का सा, नॉट एग्जैक्टली द सेम शेड व्हाट आई हैव यूज्ड इन द लैमिनेट, थोड़ा सा ग्रीन शेड अलग है। ये है मेरा 4x5 ये 5 फीट का है और इसका चौड़ा 4 फीट का है। ये मेरा विंडो कॉटन से दो मैंने यूज़ करती हूँ और इस ये इसके साथ वो सेम टेक्सचर का मैंने मंगवाई 4 panels। देखिए ये है 4x7 4 feet का चौड़ा है, 7 feet का लंबा है, क्योंकि वो जो फ्रेंच डोर का कॉटन्स मेरा है वो सब 7 feet का है। ये सेट ऑफ 4, क्योंकि इसमें ना 4+2 6 panels में यूज करती हूँ, ये सेट ऑफ 4। और इसको कंट्रास्ट लुक देने के लिए ये वाला ग्रीन मैंने यूज़ करूँगी 2। ये भी है, आप देख पा रहे हैं 4x7, देख रहे हैं ना 4x7। सो जब मैं चेंज करूँगी, इसका मेकओवर करूँगी, मेकओवर वीडियो ज़रूर डालूँगी। आप लोगों को मेरे घर का मेकओवर वीडियो बहुत पसंद है, मैं बहुत जल्द मास्टर बेडरूम का मेकओवर करूँगी और आपके लिए उसका लुक ज़रूर डालूँगी। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताएंगे मुझे। ये पूरा था मेरा आज का शॉपिंग, जैसे ये दो मैंने खरीदी ठीक है। 4 panels आएगा डार्क कॉफ़ी का और 2 panel आएगा
ग्रीन का। ये ग्रीन का शेड आप जैसे देख रहे हैं, मेरा घर में जो लैमिनेट यूज होता है वो वाला ग्रीन शेड नहीं है। सो लगाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा दिखता है और इसमें मेरे घर का लुक में क्या चेंज आएगा। ये था आज का शॉपिंग हॉल। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा शॉपिंग अच्छा लग रहा होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा शॉपिंग अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को एक थम्स अप देना और शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और जो मेरे चैनल में नए हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना टू गेट ऑल दीज इंटरेस्टिंग वीडियोस। डेकर का है, किचन का है, रेसिपीज का है, ट्रैवल का है, बट ट्रैवल वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि हम लोग घर के अंदर बंदी है अभी, पूरा एकदम बाहर निकलते नहीं है। जब निकलूँगी ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ कैच करने के लिए और मेरा डेली रूटीन। चले आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्टे होम, स्टे सेफ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑलवेज स्टे हैप्पी। चलिए देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड लव यू ऑल। कैन यू डू दैट स्पार्कल? He doesn't like that, no.